गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटेसी टिप्स बाय एसएल चैंप। तो चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं सीपीएल के मैच के बारे में, जो कि सुबह के 4:30 बजे होने वाला है। ये मैच आपको होने वाला है सेंट लुसिया किंग और जमैका थलावेज के बीच में। तो अब सीपीएल में जो भी मैच होने हैं वो सारे डिसाइडिंग मैच होने हैं। अब मैच से ये डिसाइड क्लियर होता जाएगा कि टॉप फोर में कौन कौन सी टीम रहने वाली है, ठीक है। तो अभी दोनों टीम का पोजीशन क्या है, कैसे कैसे कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर सकता है, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें यहाँ से, तो सेंट लुसिया किंग जो है आपको यहाँ 7 में से 4 मैच जीती हुई है और 8 पॉइंट के साथ ये पॉइंट टेबल में 3 नंबर पे है। और जमैका थलावेज जो है आपको 7 में से 3 मैच जीती हुई है और 6 पॉइंट के साथ ये नंबर 5 पे है, ठीक है। तो दोनों टीम के लिए मैच जितना ज़रूरी है, क्योंकि टॉप फोर में आने के लिए दोनों को कोशिश करना पड़ेगा। वैसे केस में मुझे लग रहा है कि इस मैच को जमैका थलावेज को जितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जमैका थलावेज अगर हारती है तो फिर उसका टॉप फोर में जाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ सकता है, और अगर जीतती है तो फिर आराम से चली जाएगी। तो ऐसे केस में अब हर टीम का 10-10 मैच होना है, सबका लगभग 7-7 मैच हो ही चुका है, 1-2 टीम का 8 मैच भी हो चुका है। तो ऐसे केस में अब सारे मैच जो भी होंगे, 2-3 मैच बचे हुए हर टीम के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको सेंट लुसिया किंग का यहाँ पर कुछ मैचेस के आपको दिखा देते हैं। तो ये फटाफट आप देखते जाइए। सेंट लुसिया किंग से आपको बॉलर की बात करें तो जे रॉयल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओबी मैकॉय भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बॉलिंग सेक्शन से। कैर्सिक विलियम्स किसी दिन विकेट लेता है, किसी दिन नहीं लेता है। और रस्टन चेस्ट तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि उसका बैटिंग भी आएगा और बॉलिंग भी आएगा। ये कुछ मैचेज का आप फटाफट देख लीजिए। और बात करें टीम डेविड की, तो टीम डेविड पर थोड़ा सा आप लोग एक चीज़ नज़र रखिएगा कि अगर फर्स्ट बैटिंग आती है, और वैसे एंडे फ्लेचर, फाफ डुप्लेसिस ये सब प्लेयर ऐसे हैं कि जल्दी आउट नहीं होता है, तो टीम डेविड का कोई यूज नहीं होगा आपके टीम में, ठीक है। तो टीम डेविड को आप इग्नोर करके चलिए। तो एक बार फटाफट आप ये देख लीजिए, उसके बाद मैं टीम पे आपको बात करूँगा सारे। और रही बात कौन प्लेयर कैसे खेलेगा, क्या खेलेगा, तो सीपीएल में क्या होता है ना, ये कैरेबियन के जितने प्लेयर होते हैं ना, वो सब के सब वैसे ही होते हैं। किसी मैच में मारेंगे तो बहुत ज़्यादा मारेंगे, या फिर आउट होना होगा तुरंत आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होना होता है कि आपको हीटर को और ओपनर को छोड़ना नहीं होता है स्मॉल लीग में, और बॉलिंग सेक्शन से जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसी को लेना होता है। और यहाँ जमैका थलावेज का आप देख ले, जमैका थलावेज से तो मिगेल पेट्रिस बहुत ही अच्छा चॉइस है, और वीपी नर्मल भी अच्छा खासा काम कर रहा है, और आंद्रे रसेल, ये 3 प्लेयर इंपॉर्टेंट पिक लग रहा है। इमाद वसीम को आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि वैसे इमाद वसीम का बैटिंग थोड़ा नीचे आएगा, बॉलिंग भी कर लेता है, ठीक है। लेकिन मिगेल पेट्रिस हर मैच में विकेट ले रहा है, और वीपी नर्मल भी 2-3 मैच खेला है, सब में विकेट लिया है। और आंद्रे रसेल तो खैर बैटिंग उसका पता नहीं, अच्छा खेल नहीं पा रहा है और बैटिंग बहुत नीचे आ रहा है, हाँ, लेकिन हाँ चलिए बॉलिंग कर रहा है, 3-4 ओवर तो ले सकते हैं उसको आराम से। ये देख लीजिए यहाँ से केनार लुइस या फिर एस ब्रुक किसी एक को ले सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। ये कुछ मैचेस के रिकॉर्ड आप देख लीजिए फटाफट। तो चलिए अब हम बात करते हैं टीम पे। तो पॉसिबल स्मॉल लीग की टीम देखिए कुछ इस तरह का लग रहा है, थोड़ा अच्छा आप भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो 1-2 चेंज कर सकते हैं, चलिए वो हम आपको बताते हैं क्या क्या चेंज आप कर सकते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन से तो एंडी फ्लेचर सही है, फाफ डुप्लेसिस को भी लेना सही रहेगा। आर पॉवेल ले सकते हैं आराम से, अगर आर पॉवेल को ड्रॉप करना है तो उसके जगह पर क्या करना है वो भी बता देते हैं। एस ब्रुक ठीक ठाक च्वाइस है, आंद्रे रसेल, रस्टन चोस, वी परामल, एम पेट्रियस, जे रॉयल, ओबे मैकॉय, ये सबको तो जो भी एक सेकेंड जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को मैं टिक कर देता हूँ, जिसको कि आपको नहीं छोड़ना स्मॉल लीग में, ये इतने प्लेयर को तो आपको स्मॉल लीग में नहीं ही छोड़ना है। अब आप चेंजिंग कर सकते हैं क्या क्या, ये 2 चेंज आपका हो सकता है, और एक यहाँ से के विलियम्स को आप चेंज कर सकते हैं। ये 3 चेंजिंग कर करके आप टीम बना सकते हैं। तो चलिए इस 3 चेंज के बदले हम क्या क्या ले सकते हैं। तो यहाँ से आप ले सकते हैं, एक तो पहले आर पॉवेल को आप ड्रॉप करके, वैसे आर पॉवेल को ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, एस ब्रुक को आप ड्रॉप कर सकते हैं उसकी जगह। एस ब्रुक को ड्रॉप करके आप यहाँ से के मकेनी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर आप कैलास्क विलियम्स को हटा के केनार लुइस को ले सकते हैं, और अगर वाल्टन खेले तो फिर वाल्टन को जरूर लीजिएगा। वैसे इंजर्ड था, उसकी इंजरी ठीक हुई या नहीं ये पता नहीं, खेलेगा या नहीं ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, बट अगर वाल्टन खेलता है तो वैसे किसमें वाल्टन को ले लीजिएगा, वो बहुत ही अच्छा च्वाइस हो जाएगा। वैसे किस में कुछ इस टाइप का टीम बनेगा, और ये टीम भी बहुत ही अच्छी टीम दिख रही है, ठीक है। और कैप्टन की बात करें तो कैप्टन आप यहाँ से रेस्टन चेस वैसे सेफ कैप्टन रहेगा, रिस्की कैप्टन हम एम पेट्रिस के साथ जा सकते हैं, और वैसे ही है तो ये एक सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन च्वाइस रहेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन च्वाइस की बात करें तो और भी च्वाइस आपको बता दूँ यहाँ से, ये दोनों तो बहुत अच्छे कैप्टन च्वाइस है ही। उसके बाद आपको कैप्टन च्वाइस है यहाँ से आंद्रे रसेल, फाफ डुप्लेसिस, ठीक है। ये 3-4 च्वाइस हैं कैप्टन के, ज़्यादा च्वाइस नहीं है।
तो चलिए वीडियो को अब यहीं रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को सही लगा होगा। चेंजेस पे ध्यान दीजिएगा क्या क्या बोला हूँ, और फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे कैसे आना है चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिएगा @SLChampTeam। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको एस एल चैम्प नाम से चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको सारे मैचेज के विनिंग वगैरह सब कुछ दिख जाएंगे, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जितने भी मैचेज होते हैं आपको क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल सबकी अच्छी रिजल्ट आती है। अप्रॉक्स 80-85% टीम आपको यहाँ विनिंग मिलेगी सारे मैचेज के। आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग सारे मैच कवर करते हैं, और चैनल पूरा फ्री है कम्प्लीटली। आप ज्वाइन कीजिए, कोई भी चार्ज नहीं है। तो सब लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि मैं शेयर मार्केट के बारे में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा हूँ आजकल। अगर आप लोगों को चाहिए उसके बारे में टिप्स वगैरह तो मैं वो भी आपको बताऊँगा, उस पर डिटेल्स में बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इतना ही, वीडियो को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।